बेस्ट लोकेशन, यस गाइस, बेस्ट लोकेशन फॉर शैडो कायोग्री एंड शैडो होहो। तो गाइस देखो, यहां पर आपको शैडो कायोग्री एंड शैडो होहो ये दोनों पोकेमॉन एक साथ मिलने वाला है। बट गाइस, जो दोनों पोकेमॉन मिलेगा वो अलग अलग प्लेस में मिलेगा। लाइक टीम रॉकेट टेकओवर इवेंट में जियोवानी को डिफीट करने के बाद आपको वहां पर मिलने वाला है शैडो कायोग्री, एंड सेम टू सेम आपको फाइव स्टोर शैडो रेड में मिलने वाला है शैडो होहो। तो गाइस, ये दोनों पोकेमॉन को गेट करने के लिए आपको ऐसा बेस्ट प्लेस में जाना चाहिए जहां पर जाके आप ढेर सारा करके टीम रॉकेट ग्रंट्स को भी डिफीट कर पाओ। मतलब जो टीम रॉकेट ग्रंट्स पोकेस्टॉप में रहता है एंड लीडर्स, तो उनको भी आप डिफीट कर पाओ। प्लस गाइस, वहां पर ही आप सबसे ज्यादा जियोवानी को ढूंढ सकते हो। एंड गाइस, वही प्लेस में आप रेड भी कर पाओ जहां पर आपको बहुत सारा एक्टिव मेंबर मिल जाएगा, एंड आप आसानी से शैडो को डिफीट कर पाओगे। क्योंकि शैडो फाइव स्टार रेड में शैडो पोकेमॉन को डिफीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि वो जब शैडो फॉर्म में आता है उसका पावर और भी इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस, आज मैं आपको टॉप बेस्ट फाइव लोकेशन का नाम बता दूंगा, बट गाइस उसके साथ साथ कुछ चीजों को आपको मान के चलना है जिससे आपका अकाउंट भी सेफ रहे। तो हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेचिन के एक नए वीडियो में। तो गाइस, जो फर्स्ट प्लेस है वो फर्स्ट प्लेस का नाम है सिडनी। एंड गाइस, ये सिडनी प्लेस में आपको ढेर सारा पोकेस्टॉप मिलेगा, जिससे आपको क्या फायदा मिलेगा, यहां पर आप ढेर सारा टीम रॉकेट के साथ फाइट भी कर पाओगे। एंड गाइस, टीम रॉकेट के साथ फाइट करने के बाद हमें एक कंपोनेंट जैसा मिलता है, एंड जो एक साथ कंबाइन होकर एक चीज बनता है जिससे आप शैडो रेड में बहुत ही आसानी से उसको यूज कर सकते हो। एंड गाइस, उसके साथ साथ देखो, आप ग्रंट्स को भी डिफीट कर पाओगे, लीडर्स को भी डिफीट कर पाओगे, एंड एट द एंड जियोवानी को फाइंड करने में आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। तो गाइस, सिडनी एक तो शैडो कायोग्री इवेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस गाइस, यहां पर जो सिडनी में रेड होता है आपको 20 मेंबर एक्टिव मेंबर 100% मिल जाएगा हर एक जिम में जब ये रेड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो सिडनी। अभी गाइस आते हैं सेकेंड जो प्रेफरेंस है। सेकेंड प्रेफरेंस आप लोग ज़ारागोज़ा। गाइस, ज़ारागोज़ा ऐसा एक प्लेस अभी बन चुका है भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल जितना भी लोग वहां पर प्ले करते हैं, ज़ारागोज़ा सबसे ज्यादा है जहां पर पोकेमॉन गो का रेड चलता है। भाई आपको स्लॉट भी नहीं मिलेगा, एक रेड में आप जा रहे हो वहां पर 2-3 सेकंड में फुल हो जाता है, इतना स्पीड में भाई एक्टिव मेंबर्स है। एंड वहां पर शाइनी रेड भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कम्युनिटी डे भी ज़ारागोज़ा में जाके प्ले करते हैं। सो ज़ारागोज़ा भी एक बेस्ट प्लेस है, यहां पर आप दोनों इवेंट को पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी गाइस आते हैं, देखो कोई भी लोकेशन में अगर आप जाओगे, जो मैं आपको लोकेशन का नाम बता रहा हूं, आपको एटलीस्ट वही लोकेशन में, ये सब लोकेशन बेस्ट है भाई, यहां पर आप सिनो टूर भी प्ले कर सकते हो। सो गाइस, यही प्लेस में अभी अगर आप टेलीपोर्ट करके जाओगे तो एटलीस्ट टोटल फेब्रुअरी मंथ आपको वही प्लेस में रहना है, वहां पर प्ले करना है, वहां पर रेड करना है, जो भी काम करना है वही प्लेस में करना है। नो फीट सेक्शन को चेक करके आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। रेड टाइमिंग को फॉलो करो, जो लोकेशन में आप लोग हो डेली वो टाइम में आओ, वो टाइम में रेड करो। अगर आप लोकेशन चेंज कर दोगे तो आपके लिए सिनो टूर में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सो जो प्लेस आपको पसंद है वही प्लेस में एटलीस्ट टोटल फेब्रुअरी मंथ रहना, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन था। अभी गाइस आते हैं थर्ड जो प्लेस है, वो है टोक्यो जापान। भाई सब, टोक्यो जापान ऐसा एक प्लेस है जहां पर रीजनल पोकेमॉन सबसे ज्यादा मिलता है। और गाइस उसके साथ साथ देखो, वहां पर आपको एक्टिव मेंबर्स मिलेगा स्पेशली फॉर रेड्स। भाई यहां पर रेड का जो रेट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, यहां पर आप शैडो हो को बहुत ही आसानी से गेट कर सकते हो। उसके साथ साथ भाई देखो, शैडो हो का शाइनी वर्जन भी अवेलेबल है, तो शाइनी भी आपको वहां पर से मिल सकता है। सो गाइस, टोक्यो जापान आल्सो अ बेस्ट प्लेस। अभी गाइस लास्ट दो प्लेस बाकी है, तो गाइस वो बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अभी देखो सिनो टूर आ रहा है, आपको यहां पर टोटल पिन टू पिन डिटेल्स चाहिए कि आपका जो ये इवेंट है वो मिस ना हो। एंड गाइस उसके साथ साथ देखो, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है भाई फरवरी मंथ में मेरा एग्जाम है, तो भाई मैं कैसे प्ले करूंगा। और भी एक चीज बता देता हूं, देखो अगर आपका एग्जाम है तो आपको अभी फोकस करना है स्टडी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि गाइस ये जितना भी पोकेमॉन सिनो टूर में आ रहा है ये फिर से रिटर्न होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट फिर से रिटर्न होगा, एंड बहुत लोगों के पास ये पोकेमॉन ऑलरेडी है। तो गाइस अभी आप लोग एग्जाम में फोकस दो, एंड जिनका एग्जाम नहीं है वो गाइस बिंदास प्ले कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस आप लोग क्या करना, वो डिटेल्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो में जरूर लाइक कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 300 लाइक, तो आप लोग के लिए एक मस्त वीडियो आने वाला है, ठीक है। अभी गाइस लास्ट जो दो प्लेस है उसमें जो फर्स्ट प्लेस आती है गाइस, वो प्लेस का नाम है न्यूयॉर्क। एंड गाइस बहुत लोग न्यूयॉर्क में प्ले करते हैं, क्योंकि गाइस बहुत लोग नाइट टाइम में प्ले करना चाहते हैं,
एंड जितना भी इवेंट होता है न्यूयॉर्क में वो ज्यादातर नाइट टाइम में ही होता है। सो गाइज न्यूयॉर्क भी बहुत अच्छा प्लेस है एंड यहां पर भी देखो टीम रॉकेट टेक ओवर इवेंट तो आप अच्छे से प्ले कर पाओगे, बट गाइज उससे ज्यादा सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहां पर 5-star रेट खतरनाक होता है भाई। आप लोग अगर न्यूयॉर्क में प्ले करते हो तो आपको पता ही होगा कितना जल्दी स्लॉट फुल हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा फास्ट, ठीक है। एंड लास्ट जो प्लेस है वो है लंडन, लंडन में भी आप प्ले कर सकते हो एंड यहां पर शाइनी रेट थोड़ा बहुत अच्छा होता है। शाइनी रेट के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो लंडन इज द बेस्ट प्लेस, ठीक है। तो 27-28 होने वाला है शैडो हो का रेट एंड 27 से 1 फरवरी तक होने वाला है कायोग्रे का, मतलब शैडो कायोग्रे का इवेंट। सो ये इवेंट को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।